Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. Students, last class we have completed your EVS book chapter number 15, border. Question number C. Okay. And question number A. Question number A is short answer type question and question number C is name the following. Today we will going to discuss D. Write short notes on the following. जो फॉलोइंग दिया गया है यहाँ पे कुछ विषय के बारे में, तो उसमें हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है. फर्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक शॉर्ट नोट लिखेंगे कैसे. वी कैन ऑल्सो कंजर्व वाटर बाय टेक्निक यू कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जैसे कि हमें वाटर को बचाने के लिए बारिश होती है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उसको एक टेक्निकों के द्वारा हम उस वाटर को क्या कर टेक्निकों के द्वारा हम उसको रखते हैं, है ना. चाहे वो जैसे कि हम रूफ के थ्रू क्या होती है, वो नीचे आती है, और नीचे अगर हम टंकी बनाए हैं या हम बाल्टी रखे हैं या अलग चीज़ हम रखे हैं और फिर हम उसमें स्टोर करते हैं वाटर, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Through this technique, rainwater is collected in man-made structures like tank or reservoirs or the infiltration of surface water into subsurface aquifers before it is lost by running off. तो ये क्या होता है कि मैड के द्वारा बनाया जाता है कुछ टैंक वगैरह, है ना, और फिर रिजर्वेयर्स बहुत, जैसे कि लाइक लैक है ना छोटा सा, तो इसे बनाया जाता है और फिर इसमें क्या करते हैं, इस वाटर को रखते हैं, उसको सुरक्षित यानी कि उसको आगे की यूज़ करने के लिए उसी में रखा जाता है. जैसे कि बारिश वगैरह नहीं होती है तो उस टाइम में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, या पानी की अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स. जो डैम है, आपको पता है डैम बनाया जाता है इसलिए कि फ्लड्स को रोका भी जा सकता है. ज़्यादा पानी होती है तो फिर क्या होती है, फ्लड्स आती है, ठीक है, उसको रखने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए भी हम क्या है, डैम का बनाया जाता है. ए डैम इज ए वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर. यानी कि जो वाटर वहाँ पर रहती है इस पार से लेकर उस पार तक रिवर के, ठीक है, तो उसमें एक डैम बनाया जाता है, पानी पूरा भरा रहता है और उसको चेक करने के लिए इस डैम को बनाया जाता है. धीरे 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 पानी को उसमें क्या करे, रिवर में ही पानी को छोड़े. उसमें बहुत सारे गेट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे गेट्स होती हैं और धीरे 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 वो क्या करते हैं, वहाँ से पानी बाहर निकलती है. और अचानक अगर गेट को खोला जाता है तो फिर उसमें क्या आएगी, फ्लड्स भी आ सकती है, इसलिए क्या करते हैं उसमें धीरे धीरे. तो इस डैम के द्वारा, डैम आल्सो प्रिवेंट फ्लड्स, ये क्या करती है, जो फ्लूड्स का प्रिवेंट यानी कि बचा भी सकता है. रिजर्वर इज आन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड अ डैम टू स्टोर वाटर. तो ये रिजर्वर्स क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, है ना, मनुष्य आर्टिफिशियल एक लेक है और फिर ये क्या है, डैम के पीछे इसको बनाया जाता है और उसमें क्या करते हैं, वाटर स्टोर करके रखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वाटर साइकिल इन नेचर देखेंगे. नंबर 3, वाटर साइकिल इज नेचर. Water cycle in nature. The natural water cycle is the
साइकिल इज द कंटिन्यूस मोमेंट मोमेंट ऑफ वाटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रो the process of evaporation transpiration condensation precipitation runoff infiltration and percolation and percolation तो जो वाटर साइकिल की होती है ए वन बाय वन क्या होती है ये है ना तो जब हीट होती है सन है ना तो रिवर पॉन्ड सारे होते हैं उसका पानी क्या होते हैं हीट जाती है वह हीट होने के बाद वो वापर होके ऊपर जाती है ठीक है और बूंदे बूंदे होती है और फिर ऊपर जाके वो बादल में हो जाती है और बादल होने के बाद उसके बाद क्या होती है कि फिर वो धरती में फिर वो आ जाती है ना रेन होके तो ऐसे वाले जो प्रोसेस द नेचुरल वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन रन ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड प्रिकोलेशन ऐसे हो कि इन सारे प्रोसेस के द्वारा क्या है वो घूमती रहती है तो उसको बोलते हैं क्या वाटर साइकिल ओके तो स्टूडेंट्स टुडे क्लास इज इनफ एंड यस्टरडे ये जो है आपका जो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग को इसको आपको क्या करना है नोटबुक में भी करना है और उसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे मे गॉड ब्लेस यू